लालू जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी है, क्योंकि वह पार्टी ही परिवारवादी और वंशवादी है। चचा भतीजा जनता के जनादेश में साथ क्यों नहीं थे? जनता के दबाव में चचा ने नकार दिया, आज फिर NDA की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उस शक्ति के खिलाफ चल रुक के राहुल गांधी ने कहा है हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, और लोकतंत्र के महापर्व में जाति और धर्म की बात करने वाले लोग को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीत करके आने वाले लोगों की जमात है, और किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का कटाक्ष या किसी भी जाति पर कोई प्रश्न उठाना ये उनकी सोच को दर्शाता है, उनके मानसिकता को दर्शाता है, और ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं है, और ऐसे लोग किसी भी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं है। सर, सीट शेयरिंग कब तक होने का उम्मीद है? सर, बहुत सवाल उठ रहा है। समय पर होगा। सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में हर तरह से सक्षम है, और उचित समय पर ये निर्णय हो जाएगा। उसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे कि 17 महीने में एक भी नहीं हुआ, और यही BJP का सरकार आया तो माफिया राज हो गया। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आभास करा दें कि क्या क्या इनके समय में हुआ था, कौन कौन सा ड्रामा हुआ था, सिपाही भर्ती घोटाला किसके रीजन में था, कई ऐसे मामले उठे थे, और कई तरह के नियुक्ति घोटाला का तो सबसे बड़ा मसीहा के रूप में लोग इन्हीं को जान रहा है, इन्हीं के परिवार को, ये क्यों भूल जाते हैं? अरे आप प्रमाणिकता के साथ बताइए कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, आपके पास क्या सबूत है, त्वरित कार्रवाई होगी, सरकार एक्शन नहीं ले तब प्रश्न उठाइए। आपने कहा कि एक मंत्री बचा रहे हैं, तो बताइए कौन मंत्री है, क्या प्रमाण है आपके पास? नेता प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, पूरी प्रमाणिकता के साथ लोगों को भरमाने का और सिर्फ खाना पूर्ति करने का खेल नहीं हो। लालू जी की एक और बेटी वो रोहिणी आचार्य राजनीति में कदम रखने वाली है। लालू जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी है, क्योंकि वह पार्टी ही परिवारवादी और वंशवादी है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, महागठबंधन के ऊपर आ रहा है, लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, राष्ट्र के हित में, हर समाज के हित में, और माँ भारती के धरती से प्यार रखने वाले सब लोगों को नागरिकता मिलती है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं, और आपत्ति करने वाले लोग, ऐसे लोग क्या इस समाज के हितैषी नहीं है, ये उनसे पूछिए जाकर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके विधायक हैक हुए, पर मेरे तो चाचा को ही हैक कर लिए। गारंटी मांग रहे तेजस्वी यादव। जनता का जनादेश NDA के साथ मिला था, चचा भतीजा जनता के जनादेश में साथ क्यों नहीं थे? जनता का जनादेश NDA को मिला था, पिछले दरवाजे से आकर के सत्ता में भागीदारी करने की जो मानसिकता थी, फिर जनता के दबाव में चचा ने नकार दिया, आज फिर NDA की सरकार है, बिहार के अंदर जनादेश के अनुसार सरकार है। आपके सहयोगी जो हैं वो लगातार नाराज दिख रहे हैं, कैसे? उपेंद्र कुशवाहा नाराज है सर, महागठबंधन से ऑफर आ रहा है। कोई NDA में नाराज नहीं है, सभी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक नए राष्ट्रवाद की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। जी भी नाराज चल रहे हैं, मना लिया जाएगा क्या? मुकेश सहनी भी सर कटिहार से महागठबंधन ऑफर दे रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।